कितना खतरनाक है ये। इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसे दोस्तों चोट। नमस्कार दोस्तों, राम गोविंद रेस्क्यू टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राम गोविंद अपने बचाव टीम के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी मैं खेत में था, मेरे पास एक कॉल आया था, खेत की जुताई हो रही है, तो वहीं पर सांप देखा गया था, बता रहे नाग है, तो वहीं पर हम लोग आए हैं। हमारे घर से करीबन ये 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, गाँव का नाम शांति नगर है, सरवन नगर है। तो किसके खेत में देखा गया था? सरवन सिंह का। अच्छा, सरवन सिंह के हैं, उन्हीं खेत में देखा गया। जुताई चल रही थी, निकल गया था। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर सांप है वो, और उसको निकालते हैं और उसका रेस्क्यू करते हैं और उसको पैक करते हैं। आसिम गाँव है दोस्तों। यहाँ पर लोगों को काफी भीड़ लगी है दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। यही पास ही में है दोस्तों, आइए आपको भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा है, साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। इसी को कहीं पर गेहूं, कहीं पर पलटू, और कहीं पर नागराज इसे बोलते हैं दोस्तों, और इसे भोजपुरी भाषा में भैंसा डोम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम इसका रेस्क्यू करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कितना खतरनाक सांप है ये। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है ये। इसे चोट भी लगी दोस्तों काफी। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है ये। इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसे पकड़ते दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए। इसे दोस्तों चोट भी लगा है, चोट लगा है काफी मात्रा में, चोट लगा है दोस्तों, और ये तभी ये बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ लोगों की काफी भीड़ भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देर न कर दो, इसे पैक करते हैं, डिब्बा लाइए। ढक्कन दे रे, ढक्कन दीजिए। और क्या, पूरा बेहतरीन तरीका से फाड़ दिया देखते नहीं कैसे देव चाहे मर दे तो और नाम हो यूट्यूब पे आज बने छाज भी एकदम यूपी बिहार में। दोस्तों इसे पैक कर लिए हैं और इसे पासी के अपने जंगल में छोड़ेंगे। ये पासी में हमारा जंगल है और ये गांव, फिर आप सभी को बताना चाहेंगे, इस गांव का नाम है सरवन नगर, पोस्ट पटियन है और तहसील पलिया जिला लखीमपुर खीरी है। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगी है दोस्तों, काफ़ी देर से ये परेशान था, खेत की जुताई चल रही, इसे चोट भी लग गया है हैरों से, और डब्बे में पहले से छेद है दोस्तों, हम घर से डब्बा लाए थे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे चलेंगे छोड़ने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सीधे अपनी जगह। और इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, जो बेजुबान को मारे नहीं, हमें बुलाएं, और कभी भी कोई भी सांप निकले तो मारिए मत उसे, हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा।
दोस्तों, गांव से करीबन हम लोग 6-7 किलोमीटर दूर ये जहां से हम रेस्क्यू किए थे उसी क्षेत्र का ये जंगल है। और यहां पर हम लोग आ चुके हैं सभी लोग। हमारे गांव के आदित्य हैं, अभिषेक हैं, सोनू हैं, हमारे छोटे भाई संदीप, अभिषेक हैं, ये अभिषेक, सोनू, संदीप आ गए छोड़ने इसे। तो इसके बारे में आप सभी को फिर बताना चाहेंगे। इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा है, साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। इसी को हिंदी में नाग, तो कहीं कहीं फिटार, तो कहीं गेहुअन, तो कहीं पलटू, तो और हमारे भोजपुरी भाषा में दोस्तों भैंसा डोम बोलते हैं और करिका नाग भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो हमारे रक्त को, ब्लड सर्कुलेशन को हमारे रोक देता है, रक्त को गाढ़ा कर देता है। कभी भी सांप काटे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाएँ, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े। तो ज़्यादा देर न करते हुए अभी से हम छोड़ेंगे ये सरवन सिंह के खेत में, सरवन नगर गांव पूरा बसा उनके नाम से। उन्हीं खेत में लग रहा था कल्टीवेटर, उसी कल्टीवेटर से थोड़ा घायल भी हो गया है, चमड़ी उतर गया है, ये अपने आप सही हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा चोट लगा होता तब हम इसको दवाई करते हैं, दवा लगाते इसको। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कितना खतरनाक है। इसे निकालेंगे दोस्तों, ये डरा हुआ है, इसे चोट लगा है। ये डरा हुआ है दोस्तों, तभी जल्दी निकल नहीं रहा है। हेलो, हाँ बोल। दोस्तों इसे हम छोड़ दिए हैं और हम छोड़ देते हैं, ये चला जाएगा अपना आराम से। और आप लोग कभी दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना तेज है ये, इसे छोड़ देंगे और अपना चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा, ये जानलेवा हो सकता है हमारी तरफ। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी बेजुबान को अभी मत मारिएगा। और हाँ, दूध कभी भी सांप दूध नहीं पीते हैं, उनको अगर कुछ पिलाना है तो पानी पिलाइए, उसके पास पानी रख दीजिए, वो थोड़ी देर बाद पानी पिएगा, अपना हट जाएगा। दूध कभी नहीं पीते हैं सांप, क्योंकि उन लोगों में हड्डी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए दूध ना पिलाएं, सांपों को पानी पिलाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आप सभी के प्यार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।